प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल को वोकल बनाने का जोर दिया है, जिसको लेकर जनपद फिरोजाबाद के तिलक इंटर कॉलेज में 8 दिवसीय स्वनिधि दीपोत्सव मेले का आयोजन किया गया। सरकार की मंशा है सड़क किनारे दुकान सजाकर अपनी जीविका चलाने वाले रेडी पटरी दुकानदारों को व्यापार के लिए एक नया मंच मिल सके, इसलिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस साल एक नई पहल की। सरकार की मंशा थी कि दुकानदार इस मेले में अपनी दुकान लगाएं और उनके व्यापार को एक नया मंच मिल सके, दीपावली पर वह 4 पैसे कमा सकें। लेकिन हालात बिल्कुल अलग हैं, यहाँ दुकान लगाकर दुकानदारों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन उनकी अभी तक कोई बिक्री नहीं हुई है, इस वजह से दुकानदार काफ़ी निराश हैं। इस मेले की बात करें तो यहाँ कुल 60 स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें 30 स्टॉल रेडी पटरी दुकानदारों के हैं। यह मेला 28 अक्टूबर को शुरू हुआ था और 4 नवंबर तक चलेगा। लोगों को आकर्षित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले में किए जा रहे हैं। दुकानदारों की माने तो वह जब फुटपाथ पर अपना रेडी या ठेला लगाते थे तो उनकी बिक्री थोड़ी बहुत हो जाती थी, यहाँ तो उनका 1 रुपये का भी सामान नहीं बिका है। मेले में लोगों के ना पहुंचने के कारण यहां स्टॉल लगाना दुकानदारों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। जो लोग आ रहे हैं वह खरीदारी की बजाय सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर और मेले में लगे स्टॉल के फास्ट फूड खाकर चले जा रहे हैं। जी, दुकानदारी तो कुछ भी नहीं हो रही, बस यही है, और मार्केटिंग थोड़ी बहुत हो रही है। जैसे देखा जा रहा है कि डेंगू के बाद कोरोना भी आने लगा है, अपने सैनिटाइजर की और सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं और मशीनें भी और लगी हुई, कुछ बिक्री वगैरह हुई? नहीं, अभी तक तो कोई बिक्री नहीं हुई। नहीं हुई। आपका खर्चा निकल रहा है? कुछ खर्चा नहीं, अब जो दुकानदारी नहीं हो रही है तो खर्चा कहाँ से निकलेगा? क्या उम्मीद लग रही है दीपावली मेले में आपको, किस तरह की बिक्री थोड़े बहुत?